नमस्कार साथियों, मेरा नाम अंकुर तिवारी है और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टाइम क्लासेस प्रयागराज। आज हम लोग अपनी इस करंट अफेयर की सीरीज में रिपोर्ट और सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तब लाइक सब्सक्राइब करिएगा। पहली न्यूज है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 12 जून को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। यह लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 दो भारत का जो है दो स्थान फिसल कर 129वें स्थान पर पहुंच गया। 2023 में भारत 127वें स्थान पर था। आगे बढ़ें तो भारत ने समग्र लैंगिक अंतराल को 64.1% तक कम कर लिया है। वैश्विक स्तर पर आइसलैंड लगातार 15वें वर्ष मतलब पहले स्थान पर है, जबकि सूडान जो है अंतिम स्थान पर है। इस सूचकांक में पड़ोसी देशों में जो है बात करें तो बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश 99वें स्थान पर है, चीन 106वें स्थान पर है, नेपाल 117 नंबर पर है, श्रीलंका 122, भूटान 124, पाकिस्तान 145। अब बात करें भारत, बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान, मोरक्को के साथ आर्थिक समता के न्यूनतम स्तर वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसके बाद बात करें यह कितने आधारों पर लिया जाता है, तो 146 देशों में इसके चार क्षेत्र होते हैं। चार क्षेत्रों पर इसका जो है आकलन किया जाता है, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण पर। अब आगे बात करें तो अगली न्यूज है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 आया है। इसके बारे में जो है विस्तार से देखें तो जून 2024 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया। किसके द्वारा? येल विश्वविद्यालय द्वारा। ध्यान दीजिएगा, 2024 EPI यानी कि एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया नंबर एक पर है, उसके बाद लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पर है, जर्मनी तीसरे नंबर पर है। इस द्विवार्षिक सूचकांक में, इसका मतलब यह दो साल में एक बार आता है, यह द्विवार्षिक सूचकांक में भारत का स्कोर 27.6 के साथ जो है 180 देशों में 176वां भारत का स्थान रहा है। बात करें EPI 2022 में 180वें भारत 180वें नंबर पर था 2022 में, 2020 में 168वें नंबर पर था। यह जो है पहली बार 2002 में प्रकाशित किया गया था। अगली रिपोर्ट है बाल पोषण रिपोर्ट 2024। UNICEF संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बाल खाद्य गरीबी प्रारंभिक बचपन में पोषण अभाव, ये इसका शीर्षक था रिपोर्ट का। इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, तो उस रिपोर्ट का नाम था बाल पोषण रिपोर्ट 2024। इसमें बताया क्या गया, इसमें कहा गया कि विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के 4 में से 1 बच्चा जो गंभीर खाद्य बीमारी का सामना कर रहा है वो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले कुपोषण की चपेट में है। आगे बात करें तो कह रहा है कि गंभीर खाद्य गरीबी में रहने वाले 181 मिलियन युवा बच्चों में से दो तिहाई से अधिक जो हैं दक्षिण एशिया और उप सहारा के अफ्रीका में रहते हैं। दक्षिण एशिया यानी कि जिसमें भारत आता है। अगली न्यूज है कि सतत विकास रिपोर्ट 2024 आई है, इसके बारे में आइए विस्तार से देखते हैं। तो 17 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि SDSN द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2015 में स्वीकृत अधिकांश सतत विकास लक्ष्य यानी कि 2015 में जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए थे, इसमें से कोई भी 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं है, कोई भी देश इस राह पर नहीं चल रहा है। औसतन 2030 तक वैश्विक स्तर पर केवल 16% SDG लक्ष्य पूरे होने की राह पर हैं, शेष 84% प्रगति में उलटफेर दिखा रहे हैं, या जो है सीमित प्रगति है या प्रगति में उलटफेर है।
आगे बताया जा रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में फिनलैंड नंबर एक पर है, स्वीडन उसके बाद है, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस का स्थान आता है। भारत की बात करें तो भारत 166 देशों में 109वें स्थान पर आता है। अगली रिपोर्ट है विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की स्थिति 2024, इस नाम से एक रिपोर्ट आई है, इसके बारे में विस्तार से देखें तो खाद्य एवं कृषि संगठन, आप लोग बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जो लोग यूपी पुलिस जिनको देना है उनको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एफएओ द्वारा विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की स्थिति नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन में 223.2 मिलियन टन के साथ एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कुल जलीय कृषि उत्पादन 223.2 मिलियन टन जो है हुई है। आगे बढ़ें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक है। मछली उत्पादक में चीन पहले और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर भारत है। आगे बात करें सिपरी ईयरबुक 2024 आई है, इसके बारे में विस्तार से देखें तो 17 जून को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे सिपरी कहा जाता है द्वारा सिपरी ईयरबुक 2024 जारी की गई। इस ईयरबुक की में 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों को बताया गया है, इनमें से कौन कौन है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया और इजराइल, कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। कुल 12,121 परमाणु हथियारों में से 90% केवल अमेरिका और रूस के पास हैं। चीन की परमाणु शस्त्रागार तेजी से बढ़ रहा है, इसमें बताया गया इसके पास 500 वारहेड्स हैं। वारहेड्स वो होता है जो मिसाइल में आगे लगाया जाता है, इस तरह का उसे वारहेड्स कहा जाता है, उसी में परमाणु बम होता है। तो 500 परमाणु बम के आसपास चीन के पास है। भारत के परमाणु शस्त्रागार में मामूली विस्तार हुआ है, 164 वारहेड 2023 में थे, 2024 में 172 वारहेड हो गए हैं। यह विश्व के परमाणु सशस्त्र देशों में 6वें नंबर पर जो है भारत का स्थान आता है। आगे यह भी जानकारी दी गई है कि भारत और इजराइल दोनों अपने परमाणु हथियारों में मुख्य रूप से प्लूटोनियम का उपयोग करते हैं। और आगे बताया जा रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, स्वीडन की ही राजधानी स्टॉकहोम है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका काम क्या है, तो यही सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय, हथियारों का व्यापार, कौन सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, इसके बारे में जो है रिपोर्ट देना इसका काम है। अगली न्यूज है कि कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, कंटेनर के मामले में कौन सा पोर्ट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस पोर्ट की रही है, उसके बारे में रिपोर्ट आई है। तो 3 जून को किसके द्वारा आई, विश्व बैंक और एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा, ये दोनों मिल करके इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। तो प्रकाशित करने के बाद के शीर्ष 100 में से भारत के, मतलब 100 जो है पोर्ट में शामिल किए गए, तो 9 जिसमें भारत के हैं। CPPI यानी कि यही रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला कंटेनर बंदरगाह यांशान पोर्ट चीन है। इस बंदरगाह को आप लोग मैप में जाकर के देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पक्का पूछा जा सकता है, PCS जैसे एग्ज़ामों में। इस सूची में विशाखापत्तनम 19वें स्थान पर है, नंबर एक पर यह ध्यान दीजिएगा यांशान पोर्ट है जो कि चीन में है, जबकि मुंद्रा 27वें नंबर पर है, विशाखापत्तनम 19वें नंबर पर है। इसके अलावा बात करें जो 7 अन्य भारतीय बंदरगाह हैं, तो पीपावाव 41वीं रैंक है, कामराजार ये भी 47वीं रैंक है, कोचीन 63वीं रैंक है, हजीरा ये दोनों गुजरात में है, ये भी गुजरात में, कृष्णपत्तम चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू JNPA। दोस्तों ये यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है, अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज बनता है। मैं प्रतिदिन इसी तरह का वीडियो बनाता हूँ, बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।